नमस्कार और प्रणाम प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जीवन के सबसे बुनियादी पहलू पर बात करूंगा, जो है मानवता। मानवता एक मानव जाति है, पृथ्वी पर के सभी उसमें शामिल हैं। ये शब्द उन गुणों के लिए भी है जो हम इंसान बनाते हैं, जैसे कि प्यार करने की और करुणा करने की क्षमता। रचनात्मक बने, ना कि रोबोट बने या एलियन। सवाल ये है कि हम इस प्राचीन गुण को कैसे विकसित करें। मानवता ही है जो हमें मानव बनाती है, इसीलिए मानव होने के लिए सबसे पहले सहानुभूति की आदत डालने की जरूरत है, और ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो सहानुभूति क्या है? ये एक सरल रवैया है अपने आप को किसी और के स्थान पर रखने का। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। हम रोजाना ऑटो रिक्शा से यात्रा करते हैं। ऑटो चालक सुबह से रात तक अपनी ऑटो रिक्शा चलाता है, और सभी मौसमों में, गर्मी की चिलमिलाती धूप में, मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश में, और सर्दियों में सबसे ठंडे समय में भी उन्हें यात्रियों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं अगर वो कुछ गलती करते या गलत मोड़ ले लेते हैं। पुलिस परेशान करती है छोटी छोटी गलतियों के लिए। हम उनकी कोशिशों के बारे में सोचते तक नहीं जो वो हमें हमारी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करते हैं। बस अपने आप को उनकी जगह रख कर देखिए, और तभी आपको उनका दर्द, क्लेश, उन आक्रोश का एहसास होगा जिसका सामना वो हर पल हर रोज करते हैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए। एक बार जब आप उसे महसूस कर लेंगे तो उनके प्रति आपका रवैया सहानुभूति की गुणवत्ता इसलिए मानवता को प्रभावित करने में सर्वोपरि है। सहानुभूति बचपन में ही सीखनी चाहिए, और इसलिए ये संज्ञानात्मक है। मानवता एक गुण है जो अभिविन्यास से आता है। हमारे जीवन में मानवता महत्वपूर्ण क्यों है? मानवता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, दूसरों के समझने की कोशिश कराती है, और दूसरों की समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश कराती है। इंसानियत दिखाने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है, एक गरीब इंसान भी किसी की मदद करके इंसानियत दिखा सकता है। अनुसंधान ने बार बार साबित किया है कि दूसरों की मदद करने में किसी की मानसिक स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार हुआ है। मानव जाति ने देखा है कि जब भी कोई आपदा आती है तो मनुष्य एक दूसरे की मदद के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। चेन्नई बाढ़, मुंबई बाढ़ या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा जो आपने देखी है, हाल ही में आए हुए कोविड के समय, जहां कोविड योद्धाओं ने जैसे कि मेडिकल फ्रेटर्निटीज, एनजीओस, पुलिस दल, वंदे मातरम मिशन जैसे कोविड योद्धाओं ने वहां कठिन समय के समय मानवता का प्रदर्शन किया। जब कोई मानवता की बात करता है तो एक व्यक्ति जिसे मैं तुरंत याद करता हूं, वो है मदर टेरेसा। अपने जीवन काल के दौरान मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिन्होंने कलकत्ता की मलिन बस्तियों में बेसहारा बीमार लोगों की देखभाल करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक कार्य की दुनिया में कुछ अन्य प्रसिद्ध नाम हैं डॉक्टर बाबा आमटे और डॉक्टर A.R. के पिल्लई, जिन्होंने कुष्ठ रोग के उन्मूलन में सहायता की। अब मैं आपको बताऊंगा मानवता की एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है कानपुर के एक साधारण चाय बेचने वाले की। उसका नाम है मोहम्मद महबूब मलिक, जिसे सभी प्यार से कहते हैं मलिक भाई। कानपुर में शारदा नगर चौराहे पर एक फुटपाथ पर उनकी चाय की दुकान है, जो बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। कारण है उनकी कोशिश। मलिक भाई जो 29 वर्षीय हैं, पिछले 3 वर्षों से अपनी कमाई का 80% 40 से अधिक वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए खर्च कर रहे हैं। चाय बेचते समय मलिक ने कई बच्चों को अपना समय बर्बाद करते और भीख मांगते हुए देखा। उनमें से ज्यादातर एकल माताओं के बच्चे थे, जो घर की सफाई जैसे छोटे छोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना जुटाने में जब उन्हें इतनी परेशानी होती थी, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे कैसे बचाते। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने खुद को उन बच्चों में देखा, और मैंने खुद से कहा कि अगर मुझे आगे पढ़ने का कहीं मौका मिलता तो आज मैं कुछ बड़ा बन गया होता और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देता। फिर सड़क किनारे स्टॉल पर चाय बेचते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं इन बच्चों को उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूंगा। और इस तरह शुरू हुई इन बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत 3 साल पहले।
इस आदमी ने शारदा नगर गुरुदेव टॉकीज के पास मलिक बस्ती में और चकेरी में कांशीराम कॉलोनी में कोचिंग सेंटर स्थापित किए, जहां उन्होंने 350 से अधिक बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया है। उनने बच्चों को प्रतिदिन लगभग 2 घंटे पढ़ाने के लिए 2,000 रुपए के वेतन पर शिक्षक को भी नियुक्त किया। वो अपनी कमाई का 80% उस जुनून के लिए खर्च करते हैं जिसमें उन्हें विश्वास है, और बस यही मायने रखता है कि आपके दिल में अपने साथियों के लिए कुछ करने का संकल्प, और फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है, और इसी को मानवता कहते हैं। हम में से हर एक ने इस ग्रह पर सेवा करने के लिए और इस समाज में बदलाव लाने के लिए जन्म लिया है। हम में से प्रत्येक का मानव रूप में जन्म लेने का एक उद्देश्य है कि केवल दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा के माध्यम से ही उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म, लिंग का हो या जाति का हो। इसी गुण को कहा जाता है मानवता। इसलिए बच्चों, जितना एकेडमिक स्टडी विकसित होना जरूरी है, उतनी हमारी मानवता भी विकसित होनी चाहिए। अगर दिन के अंत में आप अपने स्वभाव में इंसान नहीं हैं, तो आपकी शैक्षणिक डिग्रियों का दुनिया में कोई महत्व नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो प्यारे छात्रों, आइए इंसान बने और चारों ओर खुशियां फैलाएं। आप सभी के लिए अच्छे समय की कामना। हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय हो।